है आप सभी का जेटीवी भारत में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। मुख्य अतिथि के रूप में उज्जैन नगर निगम पूर्व सभापति सोनू गहलोत, सोनी समाज के अध्यक्ष राकेश सोनी सहित कई अतिथिगण कार्यक्रम में पहुंचे। उनका चुनरी यात्रा प्रारंभ होने के पहले पगड़ी बांध का स्वागत किया गया। उसके बाद अतिथिगण भी चुनरी यात्रा में शामिल होकर युवाओं का मनोबल बढ़ाया। उज्जैन शीतला माता मंदिर से 100 फीट लंबी चुनरी यात्रा कई प्रमुख मार्गों से निकाली गई। यात्रा सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया और यात्रा को सफल बनाया। यात्रा ढोल नगाड़े हाथी घोड़े के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। जब यात्रा निकल रही थी उस समय जगह जगह पर चुनरी यात्रा का पुष्पमाला और फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। ये बताइए, भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई है, निकालने का मकसद क्या है? ये निकालने का मकसद है कि हमारे हिंदुओं में हिंदुत्व की भावना जगे और धार्मिक कार्यों में सबकी रुचि बढ़े। और यह कार्यक्रम राजीव नगर से शीतला माता मंदिर के यहाँ से आयुष रजक व आनंद सूर्यवंशी के तत्वाधान में निकाला जाता है, जिसमें सहयोग अनुसार हमारे बड़े भाई अशोक जी केतवास, रोहित जी केतवास और पूरी मित्र मंडली द्वारा सहयोग दिया जाता है। और हर साल यह चुनरी यात्रा निकाली जाती है और हर वर्ष निकाली जाएगी। यह चुनरी 101 फीट की है और इस चुनरी यात्रा में बहुत माताएं बहनें शामिल होती है। और यह हमारी माँ भगवती से यही विनती है कि देश में समृद्धि और सुख शांति रहे। इस यात्रा में कई जनप्रतिनिधि व बड़े महानुभव आकर सहयोग करते हैं और हम सब उनका आभार भी मानते हैं। आनंद सूर्यवंशी और जयर द्वारा भव्य चुनरी यात्रा का परंपरागत आयोजन किया जा रहा है और वास्तव में पूरे उज्जैन शहर के युवा इसमें सम्मिलित है। महिलाएं चुनरी लेके माता जी के मंदिर से शुरू हुई है और आगे रोड के विभिन्न नगरों से होते हुए मोहन नगर माता जी मंदिर तक यात्रा जाने वाली है। इस अच्छे आयोजन के लिए भाई को, उनके साथियों को बहुत बधाई देता हूँ।